विष्णु भाई अगर सही रहेंगे ना तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, समझ रही है ना? आप जो करें ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन इसमें खामो खा फंसी हैं भाभी जी, ठीक है, उनकी क्या गलती थी? आप ही बताइए। और आप भी जो बतियाएं हैं दोगलपंती हैं। और आज के डेट में ना किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे रोएंगे ना तो भी कोई मदद करने वाला नहीं है, आज के डेट में बता रहे हैं दोस्तों, सब लोग अपना भला चाहते हैं, ठीक है। और जिस तरह से उन पे ब्लेम लगाया गया है, वो रिस्क लेकर ही मैटर में कूद पड़ी और देखिए उसका अंजाम क्या मिला उनको। तो ये मैडम जी फ्रेम में आना चाहती हैं लग रहा है, पूछे हैं कि डाल, अरे तो पड़ेगा, ये काल दिखानी बता दे रहा है तो करिए, अरे डालो ना यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और दोस्तों ये मातरमा जो है उनका फिर कॉल आया था, और अब घबराइए मत, अब की हम कॉल रिकॉर्ड कर लिए हैं, अब कल आप जो बोली है ना गुरुप्रिय भाभी के खिलाफ में, अब हम कल दिखाते हैं, ठीक है। बहुत अजीबोगरीब बात की, मतलब उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम क्या ही कर सकते हैं, इतना गलत गलत बात बोली है उसमें, आप लोग कल सुनिएगा तो खुद आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है ना, कि इसमें क्या है क्या नहीं है। हमको डालने का इच्छा नहीं, लेकिन बहुत हद हो गई है, इसलिए दोस्तों हम कहें कि आप लोग भी कहेंगे क्या है बार बार मैटर में घुस रहा है, बार बार क्या मैटर में घुस रहा है, तो दोस्तों आप लोग भी जानेंगे कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो कल हम कॉल रिकॉर्डिंग एक आप लोगों के, मतलब आप लोगों के सामने एक कॉल रिकॉर्डिंग लाएंगे हम, और देखिएगा आप लोग सुनिएगा क्या क्या वो बोली हैं मैडम जी जो भी हैं। हम लोग कभी भी किसी के बारे में बात भी कर रहे हैं तो भड़काने वाला बात नहीं कर रहे, जो सच्चाई है उसी को रख रहे हैं, और ना ही इधर हो रहे हैं ना ही उधर हो रहे हैं। जिसकी गलती है तो उसे तो सजा मिलेगा ही, कानून से कोई हमेशा बचा ही नहीं है। तो दीदी का भी गलती उतना नहीं नजर आया, लेकिन गलती सबसे होती है, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन इतना बड़ा कोई कोई जुर्म नहीं किया है यार, कोई इतना बड़ा भी गलती नहीं हुआ जैसा ये मैडम बोल रही है। ऐसा घिनौना बात बोली है, नहीं बोल, कल डालते हैं उसके बाद आप लोग का जो होगा रिस्पांस आप लोग देंगे। बोल रही है कि दे दो उसका नंबर, मुझे नंबर दो ना, नंबर दो, अभी मैं अभी उसको समझाती हूँ, मेरे पास नंबर नहीं है ना। अब कल रिकॉर्डिंग में आप लोग सुनेंगे तो खुद कहेंगे, हाँ तो आप लोग समझाइएगा, तो आप लोग भी कमेंट करेंगे कि आप लोगों को डायरेक्टली किसी औरत का नंबर नहीं डालना चाहिए, बोल सकते हैं नंबर नहीं डालेंगे दोस्तों, अभी मात्रा आप लोग का जो रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से हम लोग जरूर, अगर ज्यादा टॉर्चर अगर की दोबारा वो ऐसे की तो नंबर भी पब्लिक करना पड़ेगा, वैसे कॉल रिकॉर्ड कॉल हम लोग डालेंगे। अभी आप लोगों को सराय लिया जा रहा है, लेकिन बहुत बदतमीजी तरह से वो केस आई हुई है ना, ये औरत होते हुए दोस्तों शर्म की बात है, क्या बताएं, को उस औरत को सोचना चाहिए, वो भी एक औरत है, इतना गंदा गंदा बात बोली है वो कि अब क्या ही कहा जाए दोस्तों, इतना गंदगी, बेटी को लेकर कभी कुछ कहा ही नहीं जाता है, तब पता नहीं उसकी अब क्या कहें, जुबान से नहीं कहा जाएगा, लेकिन नहीं, बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। अरे बोली है, उसकी भी चार बेटियां हैं यार, उसको भी चार बेटी, चार बेटी है, बताइए शायद उसमें रिकॉर्ड है कि नहीं, देखना पड़ेगा। चार बेटी भी हैं और दूसरे पे ब्लेम कर रही हो, ऐसे वैसे हम लोग शब्द नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रिकॉर्डिंग ही आप लोगों को बताएगा, तो पता नहीं ये सब चाहती क्या है यार, हम समझ नहीं पा रहे ये चाहती क्या है, पीछे पड़ गई है। हमारे पास फोन मत करो यार, काहे एकदम यार, हम लोगों को एकदम परेशान कर दी हो यार तुम, अब कल अब फिर पता चलेगा, ठीक है ना, कल अब तुमको समझाएंगे बढ़िया से, एकदम पागल बना दी हो। वैसे ही हम सब नहीं बोल रहे हैं, बीच में तो एकदम पीछे ही पड़ गई हो एकदम, वैसे सब परेशान है किसी मैटर को लेके, मालती को न्याय नहीं मिल रहा है, ऊपर टेंशन में सब लोग, किसको न्याय मिले क्योंकि हर एक औरत की बात है, ऐसे ही इसी के जैसे लोग तो सारा बहन न्याय ही नहीं दिला देते, न्याय दबा दे रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से गया है, सही लोगों की वजह से गया, मानते हैं किसी कैसे ही जान गई हो, लेकिन पता चल जाएगा तो सब लोग शांत हो जाएंगे। तो ऐसे जब मैटर दूसरा उठता रहेगा, मुद्दा दूसरा उठता रहेगा, में जो देखी वही सच्चाई हो गया, वही दिख रहा है इनको। एक बात बता, आप वहाँ पे जाके नहीं ना देखी हो, मालती से मिली हो पर्सनली या विष्णु से मिली हो? हैं सूरत में, कहाँ बताइए, नमो नहीं याद है, कहाँ बताइए, कहाँ से है, नाम नहीं बताइए, बताइए यार, उसमें है पता नहीं रिकॉर्ड है कि नहीं वो वाला, और चल रही है देखने में, नहीं मराठी बोली है, मराठी हो, मराठी हो, हाँ मराठी, फैन भी अच्छे होते हैं और अच्छे इंसान का परख नहीं है बिशायद तुम्हें है, ठीक है, और उल्टा पुल्टा जो लगा रही है दिमाग से, वैसा करना बंद करो, मत करो ये सब,
अभी भी देखिए अभी भी बहुत सारा फोन आ रहा है, बता दे रहे हैं। देखिए सच में ज्यादा ओवर कर, हम सबका कॉल रिकॉर्डिंग करके नंबर हम डाल देंगे, पब्लिश कर देंगे। सच में बता रहे हैं, हमारा माथा एकदम हमारा सनक जा रहा है। हम लोग को दुविधा मत डाला करो, हम लोग किसी को ज्यादा ब्लेम बहुत लोगों का अभी भी फोन आ रहा है, हम लोग परेशान हो जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग देखिए इस समय ब्लॉग हम लोग भी डालना कम कर दिए, ब्लॉग हम सच में डालना कम कर दिए हैं, लेकिन एकदम अति जब हो जा रहा है ना तब हम एकदम डाल रहे हैं, क्या करें, एकदम परेशान। बारे में उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकते हैं इसीलिए, लेकिन जब टॉर्चर हो रहे हैं तो करना पड़ रहा है। आप लोग देख ही रहे होंगे, हम लोग का परमानेंट ब्लॉग आता था, लेकिन जब से ये मैटर उठा तब से हम लोग बहुत कम कर दिए, लेकिन इतना ज्यादा टॉर्चर हो जा रहा है कि करना पड़ा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए ब्लॉग हम लोग का नहीं चलता है, लोग नहीं देखता है, सभी लोग इसी मैटर पे यही मैटर में देख रहे हैं। हम लोग सोचे क्या किसी के बारे में बुराई या सच्चाई, तो हम लोग एकदम साफ है बंद कर दिए हैं भले ही, लेकिन देख देख के माथा खराब हो जा रहा है। अच्छाई का परख नहीं कभी कोई कर पाता, सही बात है, कड़वा सच्चाई हमेशा कड़वा होता है और कोई बर्दाश्त कर पाता कोई कर ही नहीं पाता, और सच्चाई का साथ हर कोई नहीं देता है, ठीक ना, क्या बताएं तो यही सब। अब तो सच में अब हम जानते हैं, अब शायद वो रिकॉर्ड पड़े तो दीदी भी देखा तो उनको बहुत प्रॉब्लम, मतलब टेंशन होगा कि कौन औरत है, सबको होता है, लेकिन क्या करें, सॉरी दीदी, उसको डालना पड़ेगा और आपकी राय होगी तो नंबर भी हम लोग आपको देंगे, आप खुद उससे निपटिएगा नंबर, क्योंकि वो नंबर मांग रही थी तो हम कहे कि हम नंबर नहीं देंगे। हम तो नहीं किए, यही बात किए हम, तो बात करते डायरेक्ट गाली उल्टा फुल्टा मिलने के लिए बोले, अरे वो मिले तो सामने तो मैं बताती हूँ। अच्छा, इतना हिम्मत है उसमें, तो बताइए हम भी देखेंगे। बहुत हिम्मत है, बाप रे, ऐसी भी औरत होती है, मराठी के पाले पड़ी है, मराठी हूँ मैं, मराठी। अच्छा, हर मराठी तो देखिए मराठी में भी लोग अच्छे होते होंगे, समझ होते मानते, अरे है वो यूपीए से, मतलब यूपीए से हो, बताइए, मानते हैं कई कई पांच उंगलियां बराबर नहीं होती है, कोई एक उंगली बहुत खराब होता है, तो वैसे ही मराठी या कहीं की हो, बट ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। मानते हैं तुम्हारे प्रति, मालती विष्णु के प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम है, हम लोग के भी अंदर प्रेम है, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी एक का बुराई हम लोग नहीं कर, जो सच्चाई है उसको रख रहे हैं, कभी हम लोग नहीं कहे कि फ्रेम में ये मैडम जी फ्रेम में आना चाहती हैं लग रहा है, पूछे हैं कि डाल, अरे तो पड़ेगा ये काल रिकॉर्डिंग बता दे रहे हैं तो करिए, अरे डालो ना यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ तब ठीक है, अब ऐसे भी डालना ही पड़ता है, जैसा भाषा वो बोली है, जो दुरुपयोग की है, तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हम काल रिकॉर्डिंग को सच में बता रहे हैं कि हम कल डालेंगे, अभी वो मैडम का देख रही होंगी, हमारा ब्लॉग देखती हैं वो, भले ही गाली ही देती हूँ, कमेंट में गाली ही देती हूँ, बुरा भला ही कहती हूँ, ब्लॉग देख के ही फोन की, ब्लॉग देखकर भी वो फोन करेंगी हमारे ये वीडियो। देखिए हम भी औरत हैं, नहीं चाहते किसी औरत का इस तरह इज्जत उछाला जाए, लेकिन जैसे आप बात की हैं, आप खुद बोल रही हैं कि डाल दो तो डालना पड़ेगा, क्योंकि मैटर आता है दीदी के बारे में, और हम लोग दीदी के बारे में बुरा भी नहीं सोचते हैं, अगर गलती है तो सजा सबको मिलती है, ऊपर वाला बोल रही है कि विष्णु भाई को इंसाफ दिलाओ, तो देखिए कहने की मतलब यह है ना, विष्णु भाई को इंसाफ मिलेगा, विष्णु भाई अगर सही रहेंगे ना तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, समझ रही है ना, आप जो करें ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन इसमें खामो खा फंसी हैं भाभी जी, ठीक है, उनकी क्या गलती, बिना गलती को फंसी हैं, और आप भी जो बतियाएं हैं दोगलपंती हैं, आखिर उनकी गलती क्या थी आप बताइए, बहुत बहस रही हैं कि विष्णु भाई को इंसाफ दिलाए, देखिए हमें भी तकलीफ है विष्णु भाई के लिए, अगर नहीं गलत है तो देखिए उनको सजा नहीं कुछ मिलनी चाहिए, कभी न्याय नहीं होने देंगे वो, और ये जांच का विषय है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कानून प्रशासन है ना, कानून के साथ कानून खिलवाड़ थोड़ी ना करेगी भाई, वो जो क्या बोलते हैं जो उसका जो भी है रीजन है जो काम है उसका सही पक्ष निकालेगी, कानून जो है गलत नहीं निकालेगी, ठीक है, बिना गलती के इसमें फंसाया जा रहा है, राधा राज हो गई बेचारी, शुरू से वो भी साथ दी, पुरिया दीदी हुई वो भी साथ दी, निशा जलवंशी उस दिन, मतलब सब लोग जितने लोग मतलब वहाँ पे गए हैं, मेन जो है उन्हीं का नाम मेन हेडिंग में लिया जा रहा है। हाँ, और आप भी हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गलत ही बोल रही हैं, और ये कह दे अगर गलती है और तो हमारे कुछ यूट्यूबर हैं हमारे ही फैमिली के, समझ ली दोस्तों, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग समझ जाएंगे, ऐसा आप लोग ना करें, सब लोग देखिए मिलजुल के रहिए, हम यही हमेशा कहते आए हैं,
ठीक है, जानते हैं जब सब लोग एक हुए हैं, एक फैमिली है हमारी, ठीक है। मालती और दीदी जब एक हुई तो सबसे ज्यादा खुशी हम ही लोगों का हुआ कि अब पूरा मतलब यूट्यूब के लोग सारे लोग एक होकर रहेंगे, एक होकर रहेंगे, सब लोग सब जगह जाएंगे। लेकिन बीच में ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है, हर एक पति पत्नी के बीच एक ऐसा दिन और मैटर आता है कि औरत गलत सोचने में मजबूर हो जाती है। एक औरत आप भी हैं, आपके भी दिमाग में उल्टा चलता होगा, लेकिन शायद आप अपने बारे में खुल के नहीं बताएंगी, ठीक है। तो आप हर एक औरत एक जैसी ही होती है, दर्द हर एक औरत को होता है, कोई बताता है, कोई छिपाता है, कोई कहेगा ही नहीं, चुपचाप रो के छुपा जाएगा। तो मालती शायद हार गई हो या पता नहीं क्या उनके अंदर का, हम लोग नहीं कुछ बता सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में जो मैटर था वो था। तो वो मालती खुद हेल्प मांगने गई तो वहाँ पे गोरखपुरिया दीदी क्या फंसाई है। अरे दोस्तों, किसी का मजाल ही नहीं है कि वो किसी के मैटर में पड़े, सबसे बड़ी बात। आज कोई आज के डेट में ये बताइए, मदद नहीं मांगेंगी तो कैसे कोई आपके बीच में हाथ डालेगा। वो तो मांग ली, मदद कर भी दी, ठीक कर भी है। दी तो आज फंसाई। और आज के डेट में ना किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे ना, तो भी कोई मदद करने वाला नहीं है आज के डेट में, बता रहे हैं दोस्तों। सब लोग अपना भला चाहते हैं, ठीक है। और जिस तरह से उन पे ब्लेम लगाया गया वो, है वो रिस्क लेकर ही मैटर में कूद पड़ी और देखिए उसका इंजाम क्या मिला उनको। तो आज के डेट में ये आज के बाद भी कोई मदद अगर मांगने गए, गिड़गिड़ाते वहाँ पे मर जाएगा, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। जिस हिसाब से गोरखप्रिया दीदी फंसी हुई है, सब लोग डरेंगे। उनके पास तो मानते हैं सब कुछ है, लड़ने की क्षमता है, लेकिन हर एक आदमी के अंदर नहीं होता है, लड़ नहीं पाता है। बेचारी लड़ते लड़ते आज बीमार है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, बच्चों के लिए रो रही है, शर्म नहीं आती आप लोगों को। दोस्तों, हम लोग सब भाभी के बच्चों को देखे हैं, भैया जी डाले थे वीडियो, बड़ा रोना आ रहा था दोस्तों उनों का। चलिए जो होगा सब भला होगा दोस्तों, जब किसी का कुछ कोई बिगाड़ा नहीं हो तो कुछ नहीं, कोई बात भी माँ का नहीं कर पाएगा, चाहे वो बच्ची बड़ी हो या छोटी हो, हर एक बच्ची को माँ की जरूरत होता है, इतना तो आप समझिए। लेकिन आप लोग उनको इतना उकसा के बेचारे कितना टेंशन दे दे कि आज बेचारे बीमार है, तो उस बीमारी का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। हम लोग पहले से जाने दीदी को मतलब गांठ था, मतलब प्रॉब्लम था और ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन कभी हम लोग नहीं ये पब्लिक वो किए। तो आज आप लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए भी वह नाटक की है, कोई इतना जल्दी ठीक होता है? देखिए ये गलत बात है, छोटी सी ऑपरेशन कौन ठीक हो जाएगा। चलिए वीडियो को देखते हुए हम लोग वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। तो कोई देखिए कोई गलत कमेंट ना कीजिएगा, जो कल होगा आप लोग सुनिएगा और उस पर राय दीजिएगा कि हम लोग क्या करें। अब कल रिकॉर्डिंग एक लाएंगे आप लोगों के बीच में, तो आप लोग देखिएगा दोस्तों। और चलिए इस वीडियो को यहीं पिंड करते हैं दोस्तों, फिर कहते हैं अगर हम लोगों से गलती कोई हो गई हो बोलने उसके में लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं, नमस्ते दोस्तों।